ऐसा करो, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो बड़े सुंदर होंगे भगवान। उनके मुख पर घुंघराले बाल लटक रहे होंगे, मानो मणि वाले पर्वत पर नागनियां जो है वो कलोले कर रही हो। और भगवान के हाथ में चक्र गदा विराजमान होगा। आज इसी समय मेरे भैया, जब देवर्षि नारद ने भगवान की छटा बताई है और जा करके यमुना के किनारे पर पहुंचे हैं, तो वहां पर यमुना के किनारे पर ध्रुव के लिए एक कुटिया बनाई है। और महाराज का है कि यहीं पर तुम भगवान का भजन करना, यही प्रभु तुम्हारे सामने आ जाए। महाराज देवर्षि नारद अंतर ध्यान हुए हैं, चले जाते हैं। उसी समय क्या हुआ है मेरे भैया, महाराज धर्म जब पहुंचे हैं, इन्होंने जब भगवान का भजन करना शुरू किया है, जब इन्होंने तपस्या करनी जब शुरू की है, तो उसी समय क्या होता है मेरे भैया, एक पैर के अंगूठे से खड़े हुए हैं ध्रुव,
दोनों हाथ ऊपर किए हैं। आज सब कुछ भोजन पानी सब त्याग दिया तो पत्तों का भक्षण करने लगे। आज पत्तों को भी त्याग दिया। जब 6 मास हो गए तो इन्होंने उसी समय महाराज वायु को भक्षण करना शुरू कर दिया। और जब महाराज वायु का भक्षण करना शुरू कर दिया है तो उस समय चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। और जब चारों तरफ अंधेरा हो गया, जीव जंतु अकुलाने लगे हैं, तो महाराज देवर्षि नारद जो है भाग करके पहुंचे भगवान के पास में। बोले प्रभु आपको तो कोई चिंता नहीं है। बोले नारद हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। एक बात बताओ, ये हमारा सिंहासन क्यों हिला है? बोले तुम्हें नहीं मालूम, एक नन्हा सा बालक जो है आपके भजन में इतना लीन है कि उसी की वजह से आपका सिंहासन हिला है। अच्छा, बोले हाँ। बोले तो हमें दर्शन देने के लिए जाना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। मैया लक्ष्मी पहुंची, बोले कहाँ मारा झंझट में पड़े हो? भला वो नन्हा सा बालक जो है वो क्या जाने के भगवान का भजन कैसा होता है? अभी हम कामदेव रंभा को भेज रहे हैं समाधि भंग करवा रहे हैं। इधर कामदेव रंभा जब चले हैं उसी समय हुआ ये।